डियर आईसीएसईएन आईएससी स्टूडेंट 2021, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आईएससी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए क्या, और दूसरा कॉमन क्वेश्चन है आईसीएससी क्लास 10 के रिजल्ट कब मिले। मैंने आपको जो बताना था पॉइंट आउट करके कम्प्लीटली बता दिया, सिर्फ आईएससी क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर टेक्निकल प्रॉब्लम यही है सीआईएससी के पास कि सीबीएसई ने इसको लेकर अभी तक कुछ भी बात नहीं बोली है। सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन को भी कैंसिल करेगी आज न कल, इस बात को मान के ही नहीं कम्प्लीटली चला जा रहा है, क्योंकि इस कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, कहा जा रहा है कि जून के अंत तक डिक्लाइन करना शुरू करेगा, तो जून में ये एग्जामिनेशन संभव नहीं होंगे, और उसके बाद जुलाई में ये एग्जामिनेशन के कंडक्ट करने के सिचुएशन नहीं रहेंगे, क्योंकि जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मतलब है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा अगस्त के लास्ट या सितंबर में, पूरा एकेडमिक सेशन ही बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीट 2021 और जेईई मेंस 2021 को भी कंडक्ट करने के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए तैयार है। अभी यूपीएससी के इंटरव्यू को भी 2 महीने के लिए स्लाइड कर दिया गया है, जो कि बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और सियोरिटी है। तो यह कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन होने के कोई संभावना नहीं है, कहीं पर नहीं है। दूसरी बात है कि डिफरेंट मीडिया में जो बातें आ रही हैं, और कई लोकल न्यूज़पेपर के साथ नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर, जिसमें से टाइम्स नाउ, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने सीआईएससी को कोट करते हुए यह बताया है कि जो रिजल्ट है आईसीएसई क्लास 10th के, वो मई के लास्ट तक आ जाएंगे। इस बात पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीआईएससी पूरी तरह से तैयार है, और फर्स्ट वीक ऑफ मई से लेकर 10th मई तक देश भर के सभी आईसीएसई अफिलियेटेड स्कूलों को कहा गया है कि आप स्टूडेंट के सारे डिटेल्स भेज दीजिए सीआईएससी को, और स्टूडेंट से उनका मंतव्य, मतलब कि कमेंट ले लीजिए कि वे रिजल्ट को लेकर क्या सोचते हैं, और पर्टिकुलर प्रत्येक स्टूडेंट जो आईसीएसई क्लास 10th 2021 के हैं या आईएससी क्लास 12th 2021 के हैं, मैं रिपीट करके बार बार बता रहा हूँ कि आईएससी क्लास 12th 2021 के स्टूडेंट के भी रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं। उद्देश्य आपको अच्छी तरह से पता है, जब इन दोनों के पूरे डिटेल को सीआईएससी मांग रहा है, इसके साथ स्कूलों को कह रहा है कि आप सब्जेक्ट वाइज और मार्किंग, रैंकिंग, ग्रेडिंग करते हुए स्टूडेंट के जो भी परफॉर्मेंस है, वो सब को आप अपने हिसाब से कैटेगराइज करके पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने लॉगिन और पासवर्ड के साथ अपलोड कर दीजिए। मतलब आईसीएसई स्कूलों को ही यह जिम्मेवारी दी गई है कि वे सभी तरह के रिजल्ट का प्रोडक्शन अपनी ओर से सिक्योरिटी और स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद करें। बताया जा रहा है कि मई 15 ऑनवर्ड सीआईएससी ऑन द वार लेवल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 फॉर आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए रिजल्ट प्रोडक्शन में लग जाएगी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आईएससी क्लास 12th 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन को जून के आगे किसी कीमत पर खिसकाने, स्लाइडिंग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बहुत हद तक इन द मिडिल ऑफ मे इट मस्ट बी क्लियर That when the board examination result would be produced. तो जब हम इन न्यूज़पेपर की बातों को मान ले, तो ये कह रहे हैं कि मई के लास्ट में ही आईसीएसई क्लास 10th 2021 के रिजल्ट निकल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आईएससी क्लास 12th 2021 के भी रिजल्ट निकल जाएंगे और स्टूडेंट को। इस विषय पर एक और मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको यह इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी स्थिति लीगली टेक्निकली बहुत बॉन्डिंग पूर्ण है, तो इसलिए आपको एश्योर होने की जरूरत है, और बहुत अच्छी जानकारी यदि आज शाम तक कंफर्म हो जाती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और यदि कल सुबह तक हो गई तो कल सुबह मैं आपको ऑन टाइम अपडेट कर दूंगा। यह आईएससी क्लास 12 2021 के लिए है, तो इसके लिए एक थम्स अप है, यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब द चैनल।